हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज अगेन रवि वशिष्ठ। तो गाइस, जैसे आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं वशिष्ठ ब्लॉग को, थैंक यू सो मच। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट। जी हाँ, जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट रहने वाला है न्यू चंडीगढ़ के अंदर। अल्ट्रा लग्जरियस अमेनिटीज के साथ आपको 5 BHK 4390 स्क्वायर फीट एरिया के साथ मिलने वाले हैं। तो आइए गाइस, आज टूर करते हैं मावेला ट्विन टावर न्यू चंडीगढ़, जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो गाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए विजिट करते हैं मावेला ट्विन टावर। तो गाइस, अभी हम पहुंचेंगे बिल्कुल 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। जी हाँ, 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़, इसलिए बोल रहा हूँ। सामने राउंड अबाउट है जहाँ से चंडीगढ़ की एंट्रेंस शुरू होती है, या फिर आप कह सकते हैं उस साइड से हम आ रहे हैं तो सामने न्यू चंडीगढ़ की एंट्रेंस शुरू होती है। यहाँ से हार्डली 200 मीटर हम अगर चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो नारसी मोंजी नंबर 1 बिजनेस इंस्टीट्यूट है जो आपको इस लोकेशन में मिलेगा। देन वहीं पे PGI एक्सटेंशन आ रहा है। अगर आज की डेट में PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस की बात यहाँ से करें तो हार्डली 3 किलोमीटर अवे रहेगा PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अभी बात करते हैं हम न्यू चंडीगढ़ की। जैसे ही हम न्यू चंडीगढ़ की तरफ एंटर होते हैं, सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है क्यूरोबन न्यू चंडीगढ़। जी हाँ, इसी लोकेशन के ऊपर आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है मावेला ट्विन टावर कमिंग सून रहेगा, जो कि बड़ी जल्दी आपको यहाँ पे लग्जरियस अपार्टमेंट्स बनते दिख जाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं। जैसे मैंने आपको लोकेशन शो की हमारे इस प्रोजेक्ट की, क्यूरोबन मावेला ट्विन टावर्स की, तो अगर हम बात करें गाइस, अभी हम एग्जैक्टली लोकेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं अल्टीमेट शोरूम्स बनके तैयार हैं। जी हाँ, ये ऑन रोड फेसिंग शोरूम आपको रेडी टू पोजेशन मिल जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हैपनिंग मार्केट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें वाई न्यू चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ में ही प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, क्यों हमें न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करनी चाहिए? गाइस, आज हम बात करें चंडीगढ़ के अंदर प्राइसेस काफ़ी हाई जा चुके हैं। तो अगर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, या पंजाब में किसी लोकेशन से, या हिमाचल में किसी लोकेशन से हैं, तो आप अपना माइंड सेट लेके आते हैं कि आपने चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट होना है। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर प्राइस काफ़ी हाई ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। और अगर बात करें न्यू चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अच्छी प्लानिंग के साथ आज की डेट में डिजाइन किया गया है, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम 40 फीट की रोड रहती है अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉटिंग में भी अगर हम जाते हैं तो। साथ ही साथ अगर बात करें, इस लोकेशन का किसी भी लोकेशन के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ से चंडीगढ़ भी अपने पास है, न्यू चंडीगढ़ की मध्य मार्ग के रोड के ऊपर ये सिचुएटेड रहेगा। यहाँ से हार्डली 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही अपने को मेडी सिटी का सबसे बड़ा हब मिल जाता है, बिकॉज 350+ एकड़ के अंदर मेडी सिटी रहेगा, जिसमें टाटा कैंसर हॉस्पिटल बहुत जल्दी ऑपरेशन होने वाला है, और भी काफ़ी हॉस्पिटलिटी के बड़े ब्रांड्स हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अगर बात करें न्यू चंडीगढ़ के अंदर और क्या क्या आ रहा है, जी हाँ, जैसे चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक है, सेम वैसा ही रेप्लिका प्लान किया जा रहा है गमाडा की तरफ से, जो कि इस साइड से विद इन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर रहेगा। और ऐसे ही एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन सिटी बड़ी जल्दी प्लान किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 450+ एकड़ के अंदर न्यू चंडीगढ़ के लोकेशन में रहने वाला है। तो गाइस, अगर हम घर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यही चीज़ें देखते हैं कि लोकेशन होनी चाहिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर, प्लस फैसिलिटीज अपने को इन फ्यूचर क्या क्या मिलेगी। और अगर हम अब बात करें हमारे आज के प्रोजेक्ट मावेला ट्विन टावर की, जी हाँ, ये एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें 2 टावर्स रहेंगे, 32 फ्लोर की अप्रोक्सीमेट बिल्डिंग्स रहेंगी उसके अंदर, 5 BHK, जी हाँ, 5 BHK अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेट साइज एरिया 4390 स्क्वायर फीट। तो आइए गाइस, इस साइट को आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, जैसे अभी हम ये प्रीमियम साइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर बात करें शोरूम आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं मेरे बैक साइड में। अगर बात करें यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज रहने वाली है, क्या क्या प्रॉपर्टीज की ऑप्शन अपने को मिलने वाली है, सबसे पहले आप देख सकते हैं रेजिडेंसीज में आप आ जाएगा मावेला ट्विन टावर, देन SCO शोरूम्स आगे आप देख सकते हैं, शॉप्स आ जाएंगी, स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ जाएंगी, देन मल्टीप्लेक्स आएगा। जी हाँ, PVR मल्टीप्लेक्स
इस लोकेशन पे आपको मिलने वाला है। ये जो शोरूम्स हैं इसके बैक साइड में PVR मल्टीप्लेक्स की बिल्डिंग रहने वाली है, जिसके अंदर शोप्स भी आप ले सकते हैं, PVR मल्टीप्लेक्स के अंदर ODs में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, आप कह सकते हो सिंपल सा कि 50 लाख से लेके आपको 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहां पे मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर आप ऐसी ही लग्जरियस प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रीमियम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको हमेशा बेनिफिट देती रहे, तो Qurovan न्यू चंडीगढ़ की साइट सबसे प्रीमियम साइट आप न्यू चंडीगढ़ के अंदर मान सकते हैं। तो अगर अभी हम बात करें हमारे माविला ट्विन टावर की, तो गाइस माविला ट्विन टावर इनके बिहाइंड रहने वाला, इन शोरूम्स के बिहाइंड माविला ट्विन टावर की लोकेशन रहेगी, जिसके अंदर हर एक दो टावर्स रहेंगे। दो टावर्स के अंदर पर टावर के अगर क्लस्टर प्लान की बात करें तो दो फ्लैट हमारे ग्रीन फेसिंग रहेंगे, देन दो फ्लैट हमारे ओपन फेसिंग रहने वाले हैं। जी हाँ, तो उसी हिसाब से उनकी प्राइसिंग रहती है, आपको पता ही है प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस, देन ओपन फेसिंग के प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस नहीं लगते। तो गाइस, इसी तरीके से अगर आप हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स देख रहे हैं और आपको इजी पेमेंट प्लान के साथ प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिल्कुल चंडीगढ़ के पास में, तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन के साथ माविला ट्विन टावर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए गाइस, आगे देखते हैं लेआउट प्लान। तो गाइस, जैसे अभी हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, माविला ट्विन टावर, जी हाँ, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एट न्यू चंडीगढ़, जिसमें 5 BHK के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो एक टेंटेटिव लेआउट प्लान जो कि 4390 स्क्वायर फीट का लेआउट प्लान रहने वाला है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ का लेआउट प्लान। तो गाइस, जैसे हम लेआउट की बात करें, 5 BHK अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। तो जैसे ही मेन एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस के साथ ही अपने को एंट्रेंस फोयर एरिया मिल जाता है, जिसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें टेंटेटिव 8.2 by 13.11 फीट रहने वाली है। और इसके साथ में ही, एंट्रेंस के साथ में ही जो हर एक घर की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोर एरिया, जी हाँ, उसका खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही राइट हैंड साइड में अपने को स्टोर एरिया दिया गया है, जिसकी डायमेंशन अप्रोक्सीमेट 8 by 6.4 फीट रहने वाली है। और इसके साथ में ही अपनी सेकेंडरी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फैमिली की, वो होती है पूजा रूम अपने इंडियन फैमिलीज के अंदर। तो साथ ही साथ 8 by 5.2 फीट की यहाँ पे अपने को पूजा एरिया की प्रोविजन दी गई है। देन गाइस, जैसे हमने एंट्रेंस की फोयर एरिया से पूजा रूम और स्टोर एरिया देखा, तो उसके बाद अपना आ जाता है ड्राइंग एरिया। जी हाँ, एक अल्ट्रा लग्जरियस ड्राइंग एरिया यहाँ पे प्लान किया गया है, 17 by 9 by 17 4.5 स्क्वायर फीट एरिया रहने वाला है जी। देन राइट हैंड साइड पे हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जिसको आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, जिसकी डायमेंशन अप्रोक्सीमेट 12 by 15.7 रहने वाली है। फर्स्ट बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है, उसकी डायमेंशन अप्रोक्सीमेट 5.9 by 7.10 के करीब रहने वाली है। देन अगर हम बात करें, इस बेडरूम के साथ अपने को एक प्राइवेट डेक की एंट्रेंस मिल जाती है। जी हाँ, ये जो प्राइवेट डेक है, इसकी एंट्रेंस अपने को ड्राइंग डाइनिंग एरिया प्लस इस बेडरूम के साथ रहेगी, जो कि काफ़ी स्पेशियस प्राइवेट डेक एरिया प्लान किया गया है, जिसके डायमेंशन की बात करें 17.6 by 12.2 फीट रहने वाली है। और साथ में ही यहाँ पर एक डक्ट एरिया भी रहने वाला है, जो कि फर्स्ट बेडरूम के वॉशरूम के लिए प्लान किया गया है, 5.9 by 5.6 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहने वाला है। तो गाइस, ये अभी हमने देखा हमारा ड्राइंग एरिया, फर्स्ट बेडरूम, देन पूजा रूम एंड स्टोर रूम। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कोई भी गेस्ट हमारे घर के अंदर आते हैं, उनके लिए चाहिए होता है एक सेपरेट वॉशरूम, पाउडर रूम जिसे हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे ड्राइंग एरिया के साथ अपने को मिल जाता है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेट 5.11 by 4.11 रहने वाला है। तो गाइस, इन फैसिलिटीज़ के साथ ही अपने को यहाँ पे एक स्पेशियस किचन देखने को मिलती है,
जी हाँ, किचन को यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हमारा डिस्प्ले किचन जो कि मेन किचन रहने वाला है, देन अपना वेट किचन आ जाता है। अगर हमारे मेन किचन की बात की जाए 12.11 by 9.0 इसका एरिया रहने वाला है, साथ में वेट किचन अपने को काफ़ी स्पेशियस 8.3 by 5.11 अपने को मिल जाती है यहाँ पर। और इसके साथ में ही गाइस सबसे जो खास बात है, इसके साथ में अपने को एक 6 feet वाइड एल शेप के अंदर बालकनी मिल जाती है, और इस बालकनी से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है हमारे मल्टीपर्पज़ बेडरूम को। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि हमें 4 bedroom का घर चाहिए प्लस 5th हमें वो सर्वेंट रूम चाहिए, तो यहाँ पे हमने अलग से एंट्रेंस के साथ एक मल्टीपर्पज़ रूम प्लान कर दिया है जिसके अंदर 9.10 by 15.3 feet के करीब का इसका साइज रहने वाला है, और इसके साथ अलग से इसका वॉशरूम रहेगा 7.10 by 4.11 डायमेंशन के साथ। तो गाइस इसकी एंट्रेंस भी हमारे मेन एंट्रेंस से अलग दी गई है कि अगर आप कल को कोई सर्वेंट रखना चाहते हैं तो आप इजी अपने घर के अंदर सर्वेंट रूम यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज ये 5th bedroom हमारा यूज़ होगा। तो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग एरिया के बाद किचन के सामने अगर बात करें तो हमारा 3rd bedroom आ जाता है, बिकॉज 1st bedroom हमने गेस्ट बेडरूम देखा, 2nd multipurpose bedroom देखा, देन बात करें हमारे 3rd bedroom की या फिर इस घर के मैप के अकॉर्डिंग हमारे बेडरूम नंबर 2 की। तो बेडरूम नंबर 2 जो है 12.2 by 15 feet का रहने वाला है, इसके साथ अटैच वॉशरूम रहेगा जिसकी डायमेंशन 8.4 approximately 10.10 रहने वाली है फीट के अंदर। देन इसके साथ एक काफ़ी वाइड बालकनी आ जाती है, 6 feet वाइड रहेगी जो कि इस बेडरूम के साथ और हमारे 3rd bedroom के साथ जॉइंट रहेगी, जो कि हमारी 2nd bedroom और 3rd bedroom के साथ जॉइंट रहेगी। तो गाइस ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, देन बेडरूम के बाद अगर बात करें हमारे डाइनिंग एरिया की और फैमिली लॉन्च की, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एरिया आता है, 23 feet 23.10 by 13 feet के करीब का इसका डायमेंशन रहने वाला है। देन इसके साथ में ही हमारा 3rd bedroom आ जाता है जिसकी डायमेंशन 12.2 बाय 15 फीट रहने वाली है, उसके साथ अलग से ड्रेसर दिया गया है 6.7 बाय 6 फीट के करीब का, साथ की साथ अटैच वॉशरूम आ जाएगा अपना 6.75 बाय 8.5 फीट का। देन बालकनी अगेन अटैच है जो हमने 2nd bedroom के साथ भी आपको शो की थी। तो गाइस इसी के साथ अगर बात करें फैमिली लॉन्च के साथ में ही साथ फैमिली लॉन्च के साथ में भी एक अलग से बालकनी दी गई है जो अप्रोक्सीमेट 6 feet वाइड रहेगी। देन अगर हम बात करें हमारे घर के मेन बेडरूम मास्टर बेडरूम की, 18.7 बाय 13 फीट का यहाँ पे मास्टर बेडरूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस प्लान किया गया है जिसके अंदर अलग से अपने को ड्रेसर एरिया मिल जाता है 9.2 by 6.95 feet का। देन अटैच टॉयलेट रहने वाला है इसके साथ ही 9.10 by 6.95 feet का। तो गाइस होपफुली आपको ये लेआउट पसंद आ रहा होगा, और इसके साथ में ही मास्टर बेडरूम के साथ में अपने को एल शेप बालकनी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं एक अल्ट्रा लग्जरियस घर बनाना, अपने लिए प्लान करना, तो गाइस ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है न्यू चंडीगढ़ के प्राइम लोकेशन के ऊपर, तो एक बार विजिट तो करना ज़रूर बनता है। तो गाइस ये था आज का इन्फॉर्मेशनल टूर अबाउट माविला ट्विन टावर। जी हाँ, बिल्कुल चंडीगढ़ की बाउंड्री के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है वेरी सून। तो गाइस ऐसी ही लग्जरियस अपार्टमेंट्स, लग्जरियस विलास, लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बेस्ट डील, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब योर ओन चैनल विशिष्ट ब्लॉग्स।